आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक और मिर्जा पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन दबा करके रख लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएं। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। आप सभी लोगों को फटाफट सारी अपडेट देंगे, इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात कि अधिकाधिक संख्या में अधिवाचन आए हुए हैं, लेकिन कुछ विवादों के चलते आप सभी लोगों की वैकेंसियां जो है वो अधिकारी निकाल नहीं रहे। वो कहते हैं कि शासन स्तर पे पेंडिंग है और शासन जो है दिशा निर्देश जारी करता है, उसको माना नहीं जा रहा है। आज की तारीख में इस पर एक महत्वपूर्ण मीटिंग भी होने चल रही है, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आज ही आप लोगों की TGD PGT की और LT वगैरह की नियमावली वो फुल एंड फाइनल होने वाली है, ठीक है ना। और शैक्षिक अर्हताओं को लेकर के पत्र आदि भी जो कहते हैं कि सार्वजनिक रूप से जारी होना अत्यंत आवश्यक है, तो ये प्रक्रिया भी आप सभी लोगों की वो 21 जून के अंदर अंदर वो कंप्लीट कर ली जाएगी, ठीक है। मतलब ये स्पष्ट है कि 21 जून के बाद किसी भी तरीके का कोई भी शैक्षिक अर्हता का विवाद शेष नहीं रहेगा, वो सभी लोगों के सामने होगा कि संबंधित विषय का कौन सी योग्यता रहने वाली है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम सभी लोगों ने कल माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदया को भी एक पत्र जो है वो ज्ञापन के माध्यम से, वो ईमेल के माध्यम से प्रेषित किया था, और ये जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की थी कि आखिर एलटी ग्रेड और जीएससी प्रवक्ता का विज्ञापन जारी क्यों नहीं कर रहा है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। उधर से जो हम लोगों को जवाब मिला है उसमें आप सभी लोगों को थोड़ा सा चौंकाने वाले तथ्य भी हो सकते हैं कि ये वैकेंसी अभी शासन स्तर पे जो शैक्षिक अर्हताओं के विवाद को लेकर के थी, ठीक है ना, TGT और PGT की नियमावली और LT और GRC की नियमावली को एकीकरण करने को लेकर के है। बहुत से अधिकारी इस एकीकरण का विरोध भी कर रहे हैं और बहुत से अधिकारी इस चीज का सपोर्ट भी कर रहे हैं, इसमें आपस में तालमेल बिठाने के लिए, ठीक है ना, ताकि ना किसी प्रकार का कोई विवाद राजकीय कॉलेजों के लिए रहे और ना ही अर्धशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के लिए रहे। सारी चीजें, क्योंकि भाई राजकीय विद्यालय पूरी तरीके से अलग होते हैं, लेकिन सेम वही कंडीशन है कि आपका जब हाईकोर्ट का आदेश आ गया तो आप उसे दरकिनार नहीं कर सकते। ऐसी परिस्थितियों के लिए आप सभी लोगों को भी थोड़ा सा सोचना होगा, समझना होगा, ठीक है ना, और साथ में कंधे से कंधा मिलाकर के चलना भी होगा। आज हम सभी लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जा रहे हैं, शिक्षा निदेशालय भी जाएंगे, और मैं आप लोगों को बता दूं कि शनिवार को हम सभी लोग भी लखनऊ जाएंगे और माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदय से हम लोग मुलाकात भी करेंगे। समय मिल चुका है और शीघ्रातिशीघ्र ये कार्य आप सभी लोगों का संपादित कराने के उपरांत सारी चीजें वो आप लोगों की फाइनल होंगी, ठीक है। एलटी ग्रेड GRC प्रवक्ता में अधिकाधिक पद खाली हैं और इन पदों पर वैकेंसी की मांग विद्यार्थी लगातार कर रहे हैं। बहुत से ऐसे भी हमारे जो अधिकारी वर्ग हैं, ठीक है ना, और बहुत से ऐसे भी हमारे छात्र वर्ग हैं जिनसे हम लोगों ने तालमेल बिठाने की कोशिश की, बातचीत की, तो कई जो आपके छात्रेत की बात करते हैं नेता लोग, दो तीन तो मार्केट से गायब हो गए हैं, कार्ट जो हैं अभी वो मतलब पार्टिसिपेट नहीं करते हैं उन सारी चीज़ों में, क्योंकि उनका अपना अलग ही रेशियो है, ठीक है, तो उनसे तालमेल नहीं बिठ पा रहा है। लेकिन आप लोगों के लिए अब जो सार्थक प्रयत्न शुरू किए गए हैं, पूरी उम्मीदें हैं कि आप लोगों के लिए बहुत जल्दी ही सुखद परिणाम सामने आएगा। चैनल को अधिकाधिक संख्या में वीडियोस को शेयर किया करिए, क्योंकि आप लोगों का जो उत्साह होता है उस उत्साह से हम भी उत्साहित होते हैं, ठीक है। तो देर मत करिए, आप लोग वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दिया करिए। रही बात हमारे LT ग्रेड के विज्ञापन को लेकर के, GRC लेक्चरर के विज्ञापन को लेकर के, तो LT ग्रेड का विज्ञापन आप सभी लोगों का तकरीबन जो पदों की संख्या है वो तकरीबन 11,790 पद हैं, ठीक है। अब इस पे अध्याचन कितने पदों का हुआ है, अध्याचन सेम टू सेम पदों का हुआ है, ठीक है, लगभग 9,500 पद आप सभी लोगों के वो अध्याचन में गए हैं, ठीक है, और शेष जो आपके पद हैं वो पुरानी भर्तियों के हैं, मतलब 2018 की वैकेंसी के रिक्त पद हैं। तो ऐसी संख्या आप लोगों को थोड़ा सा भयभीत भी कर सकती है, क्योंकि नवसृजित जो कॉलेज थे जिनको मान्यता दी गई है राजकीय की,
भाई उसमें भी तो टीचर नहीं है ना, तो वहां पे भी पद सृजन किया जा चुका है और कल ही उसकी विस्तृत रिपोर्ट अपर सचिव राजकीय शिक्षा के माध्यम से शासन को प्रेषित कर दी गई। क्योंकि लगभग 81 अस्तित्व में तो 81 ही है, वैसे थे 93 स्कूल, लेकिन अस्तित्व में अभी फिलहाल 81 कॉलेज है। इन सभी विद्यालयों में जिसमें 13 विद्यालय, ठीक है ना, 13 विद्यालय आप सभी लोगों के जीजीआईसी है, मतलब गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज है, शेष आप सभी लोगों के वो जीआईसी हैं, ठीक है। तो इन सभी में प्रवक्ता वर्ग के और इंटीग्रेट सहायक शिक्षक के पद, साथ ही साथ चपरासी के पद, ठीक है, प्रधानाचार्य के पद, वाइस प्रिंसिपल के पद, क्योंकि इसमें वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल दोनों होता है, ठीक है ना। तो इन सभी के पदों को सृजित करके कैटेगरी वाइज किस किस कैटेगरी की कौन कौन सी सीटें होंगी, ये सारी चीजें डिक्लेयर करके शासन को कल ही विस्तृत रिपोर्ट प्रेषित कर दी गई। कल हम सभी लोग शिक्षा निदेशालय थे, जिसकी वजह से मैं शाम की वीडियो भी नहीं बना पाया, नहीं डाल पाया, क्योंकि हम लोगों को 2016-2021 टीजीटी पीजीटी का भी लेंथ देखना था कि आखिर कहाँ तक ये मामला पहुंचा है। तो जानकारी प्राप्त हो गई कि 61 जिलों का वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया है और शासन के माध्यम से जैसे ही सारी चीजें क्लियर की जाएंगी, जैसे ही आपके न्याय विभाग के अधिकारी एडवोकेट वगैरह नियुक्त होंगे शिक्षा सेवोच्चन आयोग में, तत्काल आप सभी लोगों का ये मामला जो माध्यमिक शिक्षा सेवोच्चन बोर्ड के हाईकोर्ट में केसेस चल रहे हैं, इन सभी चीजों का डिक्लेरेशन हो जाएगा। तो आप लोगों को इसमें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, आप सभी लोग अपनी तैयारियों पर फोकस रखिए, बाकी के कार्यों को करने की जिम्मेदारी हमारी है। लेकिन एक महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त हुई है हमारे एलडी ग्रेड और जीएससी लेक्चरर को भी लेकर के, कि अध्याचन जो ऑनलाइन फॉर्मेट पे था वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को प्रेषित किया जा चुका है, पहला। दूसरा ये कि जो अपडेटेड नियमावली की परिस्थितियां थी, दोनों को कंपेयर करके एक कॉमन नियमावली बना करके कल की ही तारीख में शिक्षा निदेशालय के माध्यम से शासन को प्रेषित किया गया। अब क्या क्लियरेंस होगा, क्योंकि एक बार इन्होंने नियमावली भेजी थी तो शासन ने उसको फिर से भेजने के लिए, मतलब निर्धारित फॉर्मेट पे भेजने के लिए कह करके वापस भेज दिया था। इन्होंने फिर नियमावली बना के भेजी तो उसमें कुछ तकनीकी खामियां थी, क्योंकि नियमावलियों को बारीकी से परीक्षण करने का जो दिशा निर्देश है वो मुख्यमंत्री महोदय के माध्यम से दिया जा चुका है कि बारीकी से उसकी जो है निगरानी कर लीजिए, ताकि किसी भी प्रकार का कोई विवाद शेष ना हो, कोई ऐसा मैटर ना हो कि जिसकी वजह से वो मामला कोर्ट तक जाए, ठीक है। ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई, उसके बाद अब स्थितियां परिस्थितियां आप सभी लोगों की हैं कि हम इन सारी चीजों को मंजूरी मिल जाए, वहां से पब्लिक डोमेन हो जाए, उसके बाद तत्काल हम लोगों का विज्ञापन जारी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अधिकारियों से पूछने के बाद ये चीजें स्पष्ट हो जाती हैं, एकदम एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाता है कि विज्ञापन को जारी करने की मंशा उनकी है, ठीक है ना, वो विज्ञापन जारी करना चाहते हैं। शासन को तकरीबन 10 बार रिमाइंडर भेजा गया है, ये जानकारी परीक्षा अनुभाग, मतलब जो जन सूचना अधिकारी होते हैं उनके माध्यम से प्राप्त हुआ कि शासन को एलडी ग्रेड और जीएससी प्रवक्ता के अहर्ताओं को लेकर के, विवादों को लेकर के एक नहीं 10 बार रिमाइंडर भेजा गया है, लेकिन शासन स्तर से कोई चीज हुई नहीं, क्लियरेंस हुआ नहीं, जिसकी वजह से आपका खंड शिक्षा अधिकारी और एलडी जीएससी का विज्ञापन लटका पड़ा है, पहला। दूसरा ये टीजीडी पीजीटी 2024 के जो विज्ञापन जारी होने हैं, इस विज्ञापन में भी अर्हता का विवाद है, क्योंकि एलटी और टीजीटी की जो कॉमन नियमावली बनी है वो तो कल प्रसिद्ध की गई। अब इस पे शासन मंथन करेगा, देखेगा, अधिकारियों से वार्ता करेगा, न्याय विभाग से चर्चा करेगा, उसके बाद इसको मंजूरी दी जाएगी। इसमें बहुत से विद्यार्थी पैदल होंगे, बहुत से विद्यार्थी स्कूटर पे आ जाएंगे, सीधी सी बात, नए नए विद्यार्थियों को मौका मिलेगा, पुराने कई सारे विद्यार्थियों कंपटीशन से बिना परीक्षा के ही बाहर हो जाएंगे, वो अनएलिजिबल होने चल रहे हैं, ठीक है ना। अब कौन अनएलिजिबल होगा, कौन जो है एलिजिबल होगा, ये तो देखने वाली बात है, लेकिन एलटी ग्रेड जीएससी और टीजीटी पीजीटी के लिए जो कॉमन नियमावली शिक्षा निदेशालय के अधिकारियों के माध्यम से तैयार की गई है और जो शासन को प्रेषित किया गया है, जाहिर सी बात है उसमें कुछ न कुछ तो अलग है, ठीक है ना। अभी फिलहाल उसकी जानकारी मुझे भी नहीं है कि क्या अलगाव इसमें है, लेकिन इन तमाम विवादों को लेकर के जो लिटरेचर और लैंग्वेज का विवाद है, हिंदी की अनिवार्यता से को लेकर के विवाद है, ठीक है ना, संस्कृत की अनिवार्यता को लेकर के, साथ ही साथ जो आप सभी लोगों का कला विषय में बीएड की अनिवार्यता को लेकर के है कि बीए का क्या उसमें क्वालिफिकेशन रखें, बीएफए प्लस बीएड रखें, या जो है हम प्राविधिक प्लस बीएड रखें, या हम स्नातक प्लस बीएड रखें, इन तमाम चीजों को डिक्लेयर किया गया है।
अब ये तो देखने वाली बात होगी कि इसमें तदर्थ शिक्षकों को भी लपेटा जाना है ना। अब ये तदर्थ शिक्षक बेचारे मांग कर रहे हैं हमारा वेतन जारी कर दीजिए, हमको प्रतिनियुक्ति दे दीजिए, लेकिन अब ऐसी परिस्थितियां हैं कि उनको सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अवमानना करके उत्तर प्रदेश सरकार भी ये चीजें करने से परहेज करेगी। भाई सीधी सी चीज है ना, सर्वोच्च न्यायालय का आदेश क्या कोई मुख्यमंत्री कर सकता है क्या, है ना। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय ने ही तो बात किया और उनके आदेश का जो है अवमानना करने के प्रयास में बैकडोर से जो नियुक्तियां दी जा रही थी, देख रहे हैं संयुक्त शिक्षा निदेशक महोदय चले गए, उनका पता ही नहीं है कहीं, है ना, शासन ने उनको सस्पेंड कर दिया। तो ऐसी ही परिस्थितियां होती हैं कि तदर्थ शिक्षकों की तरफ से बहुत जोर लगाया जा रहा है कि हमें वेतन मिल जाए या हमें 60,000 रुपए का जो है मासिक भत्ता मिल जाए, मतलब संविदा पे अगर हमें नियुक्ति मिल रही है तो 60,000 रुपए मिले। इतनी बड़ी संख्या में अगर आपको केवल संविदा की नौकरी देनी होगी तो भैया इससे बेहतर है कि नए विद्यार्थियों का एडमिशन मतलब भर्ती ना कर लिया जाए। सीधी सी चीज है, समझने वाली बात है। तो इन तमाम चीजों को जो डिस्कस करना था वो शिक्षा निदेशक महोदय के माध्यम से प्रेषित किया गया है और कल ही शिक्षा निदेशालय के माध्यम से ये भी चीजें क्लियर कर दी गई कि आपके माध्यमिक शिक्षा सेवाचरण बोर्ड पे कितने मामले लंबित हैं, किन किन मामलों में हाईकोर्ट का डिसीजन है जो वर्चुअल तरीके से है मतलब ओरल तरीके से है, और इस पर क्या डिसीजन हो सकता है, कितने विद्यार्थी लाभान्वित हो सकते हैं। क्योंकि अभी आपने प्राथमिक में एक मामला देखा होगा, बहुत से विद्यार्थी बेचारे जो है वो लटके पड़े थे, 5,000 से अधिक विद्यार्थियों को कोर्ट ने राहत दी कि आप इनको नियुक्तियां दीजिए। अब नियुक्ति का पूरा जो शासनादेश भी उनका जारी हो गया है, उसी तरीके से टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के विद्यार्थियों के साथ भी होने चल रहा है, ठीक है ना। इसमें लगभग 266 विद्यार्थियों को जो प्रतिनियुक्तियां मिलेंगी, मतलब नियुक्तियां मिलेंगी, प्रतिनियुक्तियां मैं नहीं कहूंगा, ठीक है, उनको नियुक्तियां मिलेंगी, उनकी काउंसलिंग होगी, उनको विद्यालय में प्रेषित किया जाएगा, उनका वेतन लगेगा, सारी चीजें उनकी फाइनल होंगी। क्यों? क्योंकि वो कोर्ट में केस जीतने वाले हैं। तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत हो ये इस चीज को लेकर के कि किसी भी तरीके की आपकी चिंता हो। रही बात आपके प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के, तो मैं आप लोगों को बता दूं प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए फिलहाल कोई भी प्रस्ताव शासन स्तर पर पेंडिंग नहीं है। विवरण जारी हुए हैं, पदों की संख्या जारी हुई है, बात सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन अब समस्या इस बात को लेकर के आती है कि क्या प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आएगा। भैया अभी पहले टीईटी 2024 का विज्ञापन आएगा, ठीक, इसके लिए आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए। पुलिस प्रोन्नति बोर्ड पूरी स्ट्रेंथ के साथ इस समय आपके लिए तैयारियां शुरू कर दिया है। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि किसी भी तरीके से आप लोगों को नर्वस नहीं होना है, 25 जून के तक आप लोगों को एग्जाम डेट देखने के लिए मिल जाएगा, चिंतित बिल्कुल मत होइए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को अधिकाधिक संख्या में स्नेह दीजिए और सब्सक्राइब करिए। रही बात आपके यूपी ट्रिपल एससी की, तो यूपी ट्रिपल एससी शासन कितना भी इनको जो है झकझोर ले, कितना भी प्रयास कर ले, लेकिन सारी चीजें आप सभी लोगों की जाकर के अटक जाती हैं परीक्षा नियंत्रक सचिव और अध्यक्ष पे। ये काम करना नहीं चाहते, कोई भी भर्तियां इनकी 10 साल पहले कंप्लीट नहीं होती हैं, ठीक है ना। तो अब आप लोगों को मैं बता दूं कि पीईटी एग्जाम को लेकर के जो मुहिम हम लोगों ने स्टार्ट की थी कि या तो इस परीक्षा को समाप्त कर दिया जाए या तो इसकी वैलिडिटी बढ़ा दी जाए, ठीक है ना। तो ये चीजें आपकी क्लियर होने वाली हैं, तो अधिकाधिक संख्या में स्नेह दीजिए, क्योंकि आज हम सभी लोगों के माध्यम से कुछ चीजें क्लियर होने वाली हैं और आप लोगों की टीजीटी पीजीटी एलटी और जीआईसी की नियमावली भी स्पष्ट होने चल रही है। तो आप लोगों को इसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, टीम के सदस्य जो है वो बहुत जल्दी ही मुलाकात करने चल रहे हैं और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों का जल्दी से जल्दी विज्ञापन जारी हो सके, और चूंकि उनका भी निर्देश है तो उस निर्देश का अनुपालन हो तो ज्यादा बेहतर है ना। भाई अधिकारी तो अपने बचाव में ये चीज बोल दे रहे हैं कि हमने रिमाइंडर एक बार नहीं 9-9 बार भेजा है, 10-10 बार भेजा है, अब शासन स्तर से हमें क्लियरेंस मिल जाए, हमको विज्ञापन जारी करने में कोई तकलीफ नहीं है, ठीक। तो देखते हैं सारी चीजें हम लोग मैनेज करेंगे, देखेंगे, प्रयास होगा कि आप लोगों के लिए कुछ बेहतरीन सा हम लोग जो है परिणाम अर्जित कर पाए। 97-41-85 इस व्हाट्सएप नंबर पे आप सभी लोग हमारे नोट्स आदि भी प्राप्त कर सकते हैं और अपने प्रतियोगी जीवन की समस्याओं को हमसे डिस्कस भी कर सकते हैं। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ।